भाई तुंगनाथ महाराज जी के मैंने दर्शन कर लिए, अभी बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं आराम से। अरे महाराज जी ओपन कर दिया, बोलो तुंगनाथ भगवान की जय। यहाँ पे भगवान तुंगनाथ जी तीसरे केदार हैं, युगों युगों से भगवान यहाँ पे विराजमान हैं। नर नारायण के रूप में भगवान नारायण स्वरूप उत्तराखंड के हर स्थानों में विराजमान है। युगों युगों से देवताओं ने, यक्ष गंधर्वों ने, ऋषि मुनियों ने इधर तपस्याएं की, भगवान का ध्यान किया, लोक कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ संसार के पालन के लिए अपने स्थानों में युगों युगों से विराजमान रहे हैं। सतयुग में यहाँ पे चंद्रशिला में चंद्रमा ने तपस्या की, श्रापवश शिला बन गई थी, तो भगवान शंकर कार्तिकेय और गणेश ने उनको श्राप से मुक्त किया। ये देवताओं की परंपरा रही है, थोड़ी सी भूल हो गई तो दंड मिलता है, फिर तपस्या करके फिर भगवान ही उन्हें पार करते हैं। त्रेता युग में रावण शिव का महान भक्त था, रावण शिला में तपस्या की, शिव का तांडव स्तोत्र गाया बनाया, भगवान को प्रसन्न किया, से पार्वती ने इस स्थान पे तांडव नृत्य किया। प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने पाशुपत अस्त्र और रावण को अनेक शक्तियां प्रदान की। इस गढ़वाल हिमालय में जो है बैरासकुंड एक स्थान पड़ता है, वो भी रावण की तपस्थली रही है। रावण और बाणासुर के समान भगवान शिव का कोई भक्त नहीं हुआ। उसके बाद कैलाश पर्वत मानसरोवर जो आज वर्तमान में है, उस स्थान में जो है भगवान शंकर का सबसे मुख्य निवास था, वहाँ पर भी रावण ने तपस्या की। जहाँ तक द्वापर युग की बात है, तो यदुवंश में कौरव और पांडव लोग जन्म लिए, उसी समय भगवान कृष्ण का भी अवतार हुआ। युद्ध में जो है धर्म युद्ध हुआ तो पांडव विजयी हुए, विजय होने के साथ साथ उनको पाप लगा था गोत्रदय ब्रह्मत्या का, उसके निवारण के लिए संसार नरविहीन हो गया था, तो पांडवों को पापों की मुक्ति के लिए भगवान शंकर की शरण में जाना पड़ा। कोई भी देवता उनको पापों से मुक्त करने में समर्थ रहा, हजारों वर्ष बीत के तपस्या करते करते लास्ट में केदारखंड उत्तराखंड में आना पड़ा। हरिद्वार से ऊपर इधर तपस्या करते करते वो केदार में पहुंचे, तो भगवान ने महेश रूप धारण कर पीठ को स्पर्श किया पांडवों ने, तो आधा शरीर पशुपत नेपाल सिर वाला पोर्शन पंचमुखी सिर वहाँ नेपाल पहुंच गया, वहां तक पांडव जा नहीं पाए। तो भगवान को स्पर्श करते ही पांडवों को पापों से मुक्ति मिल गई थी, जब पूरे पाप खंडन नहीं हुए। इस केदार खंड में 5 शिवलिंग भगवान के प्रकट हुए, तो पूरे स्थानों में तपस्या करते करते पांडवों ने इनकी स्थापना की। बाद में बद्रीनाथ से तो बंद होते हुए और वैकुंठ मोक्ष प्राप्त कर लिया, वैकुंठ में चले गए। युधिष्ठिर बताते हैं सदैव है। इंद्र ने परीक्षा ली और श्री स्वर्ग ले गए, धर्मराज थे, कोई पाप नहीं किया, कोई अन्याय नहीं किया और धर्म में पारायण रहे, लेकिन अन्य को जो है संसार का अन्य पांडवों को जो है सब कुछ करना पड़ा, तो पाप तो लगना ही था, तो हिमालय में विलीन हो गए। तत्पश्चात जो है इन योग बल से पांडवों ने इन स्थानों को देखा था, स्थापित किया था। कलयुग की जहाँ तक बात है, जैसे ही 5000 वर्ष बाद कलयुग का प्रारंभ होने बैठ गया, तो फिर जो है इस कलयुग में तो दैवीय शक्ति बिल्कुल लुप्त हो गई, आज भी लुप्त है, लेकिन अप्रत्यक्ष अदृश्य रूप से अद्वैत के रूप में विराजमान रहती है। स्वामी शंकराचार्य जिन्होंने शंकर भगवान के अवतार थे, पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म में अनेक विकृतियां रूढ़ियां चल रही थी, उसके निवारण के लिए उन्होंने जो है पूरे देश का भ्रमण किया, चार धामों की स्थापना की, चार शंकराचार्य गद्य स्थल स्थापित किए। चार धामों की स्थापना के बाद प्राचीन मंदिरों में किया, तो सारे हिंदू समाज ने उनका सहयोग किया, हिंदू धर्म में वेदों से प्रचार प्रसार किया, अद्वैतवाद की स्थापना की और इन मंदिरों का प्रचार किया, जीर्णोद्धार करवाया, करने वाला सारा हिंदू समाज था, लेकिन करने वाले से करवाने वाला बड़ा है। तो तब से तीर्थ यात्रा और मूर्तियों का पूजन की व्यवस्था और पूजा व्यवस्था ब्राह्मणों को दे करके फिर वो चलेगी। स्वामी शंकराचार्य के साथ अन्य लोगों ने भी सहयोग दिया सनातन धर्म के, और जब यदा यदा धर्म से अगला निर्भूति भारत अभ्युत्थान धर्म से आत्मान, जब जब धर्म की हानि होती है या संसार में कोई चीज बड़ी विकृत हो जाती है, तो उसके उद्धार के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते, जन्म लेते किसी न किसी रूप में, तो फिर जो है राक्षसी वृत्ति समाप्त हो जाती है और दैवीय शक्ति चलती रहती है, जिससे संसार चक्र चलता है।
ऐसे ही स्वामी शंकराचार्य या अन्य लोग आते रहते हैं जब जिसकी जरूरत होती है और धर्म की स्थापना होती रहती है, पापों से मुक्ति मिलती है, आगे जो है संसार का क्रम चलता रहता है। जब तक संसार रहेगा, चाहे आज तो कलयुग है लेकिन फिर भी जो है जो मानते हैं भगवान को, भगवान जो है जो जैसा कर्म करते हैं उसको फल देते हैं। बिल्कुल, आज भगवान तुंगनाथ जी में लोग संख्या बढ़ती रही है मनुष्यों की, तीर्थयात्रियों की, और दर्शनों का पुण्य लाभ लेते हैं जी। इसकी जो जो जिस भाव से भाव के भूखे हैं, जो जिस भाव से भगवान को बसता है तो भगवान वैसे ही फल देते हैं। बिल्कुल, बोलो तुंगनाथ भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। अरे मुझे बोलो तुंगनाथ भगवान की जय। यहाँ पे हरिद्वार से ऊपर केदारखंड कहलाता है, और जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है उत्तराखंड का, वो मानस खंड कहलाता है। वैसे भारत को जो है शास्त्रीय हिसाब से 7 द्वीपों में से जम्बू द्वीप कहा जाता है। शास्त्रीय नाम भारतवर्ष सारे संसार के अलग नाम है। जम्बू द्वीप में केदारखंड जो ये हमारा है, इसमें जो है पंच केदार है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ है, तो उनके 5 भाग है। केदारनाथ में पीठ भाग है भगवान शंकर का, और आधा केदार पंचमुखी शिर के रूप में पशुपति नेपाल में है जी। और उसके बाद यहाँ पंच केदार केदारनाथ में पीठ भाग, मध्यमेश्वर में नाभि पीठ का भाग है, तुंगनाथ जी में छाती, दोनों भुजाएं स्वरूप आकृति भगवान शंकर की है, रुद्रनाथ में मुखमंडल है, कल्पेश्वर में जटाए है, इस करके पूरा शरीर आ गया, और पंचमुखी शिर जो है पशुपति नेपाल काठमांडू में विराजमान है। तो ये है केदारनाथ आधा केदार पशुपति नेपाल जी। तो ये सब भगवान केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में इस हिमालय क्षेत्र में केदारखंड में उत्तराखंड में ये इन स्थानों में विराजमान। जय हो भगवान की जय। जय हो भोले बाबा की। तो भाई ये है मंदिर के, आपने दर्शन करे, पंडित जी ने सारी अभी आपको डिटेल बताई। भाई लोग हैं जी 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 हाँ, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली में कहाँ पे है आपका ऑफिस? सर ऑफिस तो नहीं है ये, तो मैं वैसे जॉब वगैरह कर रहा था अभी, मतलब ये तो कहीं पे भी जाते हैं तो उसकी वीडियो बनाते हैं। मेरा है लाइफ इज ट्रैवल बाय सागर। मैं सारा जितना भी है ना ये दर्शन जो भी है वो सारा स्कूटी से कर रहा हूँ और अकेले कर रहा हूँ। हाँ जी, शुरू किया मैं दिल्ली से हरिद्वार, श्रीनगर, फिर केदारनाथ जी, 3 बार ये स्टे हो गया, सोनप्रयाग रुका, फिर और उसके बाद अभी यहाँ तुंगनाथ जी के दर्शन। मैंने 20 तारीख को दोपहर को स्टार्ट करा था दिल्ली से, और आज होगी ना 25 तारीख है ना, 25 तारीख इसी टाइम पे मैं निकला था। अच्छा। ठीक, दोपहर को। टू व्हीलर भी कर रहे? हाँ बिल्कुल, अकेले। मेरा दोस्त आया था साथ में, फिर वो केदारनाथ जी के बाद ना हेमकुंड साहिब तो वो हेमकुंड साहिब के लिए निकल गया। मुझे भी जाना है वहाँ पर, अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं जरूर जाऊंगा। आपकी कब तक की है आपकी यात्रा? मेरी लास्ट 30 तारीख तक है जी। तो ये यूट्यूब पे डालते हो आप? जी सर जी। कितना रिंग हो जाता है यूट्यूब से? बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।